गाइस वेलकम बैक टू माय टॉक। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? कुछ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहे। तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। थोड़ा सा संडे है, देख रहे हैं पूरा बारिश ही बारिश हो गया आज का दिन। मतलब क्या ही बोलो गाइस, बहुत बोरिंग हो गया। मतलब संडे का दिन ही सारा जितना पनौती लगना होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग निकले हैं, थोड़ा देखते हैं कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग तो लाना ही पड़ेगा, वरना आप लोग देखोगे नहीं, फिर चैनल आगे जाएगा नहीं ऐसे कभी नहीं। तो इसीलिए अभी निकले हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद शाम को तो एक ब्लॉग शूट हो ही जाएगा हम लोगों का। आज शाम का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज नया नया फुटबॉल मैच स्टार्ट। मुंह पे पास ले जाऊंगा, हजार भी पानी गिरे तो धरती में बोल रहे हैं। तो अभी आज हम लोगों के पास और एक गेस्ट आ चुका है, मतलब हमारा फ्रेंड सूरज, छपरी को पहचानते होंगे, सूरज 100 किलो। तो उसको भी लेंगे, वो आया हुआ है, काफ़ी दिन हो गया उससे मिला हुआ। तो बोला चल भाई कहीं तो घूमते, बारिश तो स्टार्ट हो गया है। तो देखो बंदा आगे ही खड़ा है, ये रहा बंदा। सुबह सुबह सूरज भाई नहाया भी है कि सूरज भाई कैसे हो? वो धोया है क्या? सब धो के सब धो के आया क्या? ऊपर नीचे सब। ये भोसरी वाला, ये दूसरा भोसरी वाला, कुछ अखमिया बोलो, बोलो भाई बोलो, भोसरी वाला तो रहे। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, देखो पानी का बूंद बूंद, बारिश ने पूरा चौपट कर दिया रे भाई। जो भी बोला बहुत मजा आया भाई। कब किधर चलेगा? राइट कहाँ लेके जाएगा? तो मुझे आरंग मारा ये सुशील भाई का दुकान जो कल हेयर कट किया था मैंने। और ये रहा, ये रहा शिवा भाई। और ये हम लोग का सिलगुड़ का डाकघर जो पोस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस। और ये पॉइंट देखो भाई, ये मुन्ना जसवाल का घर बहुत ही मस्त बना है। इको बैंक, आशीष का दुकान, और ब्रिज आने वाला है अभी, देखिएगा भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। गाइस नोटिस किया कुछ? बहुत ही अच्छा काम कर रहा है शिवा भाई, सीट बेल्ट लगा रहा है। गाड़ी चलाने के बाद का सीट बेल्ट कभी भी लगाएगा, तो गाड़ी चलाने के बाद ही चलाना। के रंग में जले या रुके, अब उसी के
तो गाइस फिलहाल हम लोग अभी यूनिवर्सिटी से घूम के आ चुके हैं। यहाँ का जो नया मोमो हाउस खुला है हमारे पीछे देख सकते हो, तो अभी हम लोग यहाँ पे मोमो खाएंगे, थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। अरे आओ ना रे, खाएगा नहीं क्या तुम? सूरज लोग को इतना तेल मार रहा ना, वैसे भी तेल का लीटर बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर भी सलाह लोग आ नहीं चाह। अरे कोई नहीं, हम लोग अभी खाते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं। तो ये रहा मोमो हाउस का नज़ारा, कुछ ऐसा है। सबर भाई भला है, भला कैसा है? तो ये रहा मोमो हाउस का अंदर कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ पे ऐसा देखा मिल जाएगा। तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आए हैं, शाम को आने से यहाँ पे भीड़ वगैरह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बैठे। तुम लोग को इतना तेल मारना पड़ रहा है रे यहाँ पे खाने के लिए, नहीं खाए खाएगा क्या? नहीं खाएगा, भेजना खा ले खाली चिकन। तो ये है क्या बोलते हैं शाकाहारी आदमी, शाकाहारी आदमी है। मांसभोजी प्राणी हूँ मैं, मांसभोजी प्राणी। तो मोमो हाउस का अंदर कुछ नज़ारा ऐसा है देखने को मिलेगा आप लोगों का। चार टेबल मिल जाएगा, आप लोग आराम से बिंदास बैठिए, टाइम गुजारिए और खाइए। तो हम भी थोड़ा बैठते हैं, काफ़ी अच्छा कपड़ा वपड़ा लगा कर दिए हैं, चुतरा आराम मिलेगा बैठने में। तो सूरज और आशीष अभी गए उधर पे, उन लोगों को बोला खा लो, आशीष तो खाएगा, सूरज का पता नहीं, सिर्फ मोमो है वो सारी मोमो है, इतना वेराइटी से मोमो हो वगैरह। तो देखो गाइस कैमरा लाने के बाद सारा मछली अपना एरिया छोड़कर यहाँ पे आ गए कैमरा पे सेल्फी लेने के लिए, लगा आ गए। इधर देखो पूरा खाली पड़ा है, देखो कैमरा यहाँ पे लगाया ना, सारा मछली यहीं पे आ रहे हैं। देखो देखो जिधर जिधर मैं कैमरा लेके जा रहा ना उधर उधर वो लोग आएंगे। हाँ अभी यहाँ पे है ना, अभी मैं इधर करता हूँ। आ आ आ आ देखो 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 सब आ रहे इधर। गाइस यहाँ पे ना मैं आपको सबसे स्पेशल एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो देख के मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि कैसे बनाया है उसको। तो चलिए पहले दिखाते हैं आप लोग इस चीज़ को, देखो गौर से, देखो गौर से देखने से लगता है कि चेहरा है किसी का, फेस ये देख रहे हो, बियर्ड देखो, बियर्ड कितना लंबा है, बट एक्चुअली है ये बांस, बांस गाज का जो जड़ होता है ना उससे ही बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत चीज़ यही दिखा मुझे यहाँ पे। तो बैठते हैं, थोड़ा खाते हैं, उसके बाद ये भविष्य देखते हैं। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो फिलहाल अभी विशाल भाई पानी सॉरी पेप्सी पीते हुए अभी सोच, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भेज गया हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल स्मार्ट आ रहा है। तो फिलहाल हम लोगों का मोमो आ चुका है, देख सकते हैं कुछ ऐसा है दिखने में, साथ में मिल जाएगा चटनी। ये क्या है? ये मेरा दिल निकाल के बोल दिया क्या आपने? मेरे दिल को बोल कर दिया आप, हार्ट से मिल बाकी। तो फिलहाल अभी विशाल बोल रहे हैं वो मोमो नहीं खाएगा। नहीं तुमने अभी बोला नहीं खाएगा, तुम क्यों हाथ लगा रहा है? चक्रा अच्छा वो खाएगा नहीं, वो बस चक्र अच्छा अच्छा क्या बोले भैया, हम तो समझे ही नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। वर्ल्ड टेलीविजन में पहली बार मैं वेज मोमो ट्राई करने जा रहा हूँ, जिंदगी में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कैसा लगता है? सही है,
सरासर झूठ बोल रहे, सरासर झूठ। उसी दिन खाया था हम लोगों के साथ ये बंदा और आज ही झूठ बोल रहा है। इस जैसे इंसान को क्या बोलोगे। चलिए पहले अभी मोमो को टेस्ट करते हैं। चटनी वे ऐसे रखा था बिग नंबर में, इधर इसका स्विच है। अच्छा चटनिया मजा ग्रीन वाला चिकन से पुदीना टमाटर। अभी एक्चुअली सावन का महीना चल रहा है इसीलिए हम लोग वो सब नहीं खा रहे, इसीलिए वो सब बात ही नहीं कर रहे। बट एक पापी बंदा है, ये बंदा डोग भी खा लिया था। क्या नहीं खाया है, नाइस बढ़िया। बैठी कैसा लगे? बहुत बढ़िया। तो चलेगा ये ब्लॉग को करते हैं एंड, और आप लोग देखिए एंड तक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए। तो चलिए।